जी न्यूज पोर्टल का दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। गंगापुर सिटी के पुरानी अनाज मंडी से हम दिखा रहे हैं आपको लाइव। और अब जो शोभा यात्रा, गणेश शोभा यात्रा जो निकलने वाली है दोस्तों, पुरानी अनाज मंडी से बहुत विशाल निकलती है। अब इसमें गैदरिंग और बढ़ने वाली है दोस्तों। जो कोली पाड़े की जो यात्रा है, जो पुरानी मंडी में इन्होंने समर्थन कर दिया है, पुरानी मंडी में जो शोभा यात्रा चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, इनको समर्थन कर दिया है। और वो भी कोली पाड़े की यात्रा भी इसी में मिलेगी। कोली पाड़े की जो यात्रा आती है विशाल, वो भी पुरानी मंडी की यात्रा में मिल जाएगी। और शोभा यात्रा एक विशाल शोभा यात्रा होगी और देखने दिखाने लायक होगी। कोली पाड़े के यात्रा के जो संयोजक हैं रवि जी, क्या कहना चाहेंगे पर्सन महोदय? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव समिति के साथ त्रिनेत्र गणेश मंडल अपने पांडाल से गणेश यात्रा रवाना करेगा, विसर्जन यात्रा, जिसमें डीजे बैंड बाजों के साथ यात्रा निकाली जाएगी। हजारों की संख्या में माता महिला बहने आती है और गणेश शोभा समिति में पुराने अनाज मंडी में आकर मिलेगी। अगर प्रशासन ने बैंड बाजों की अनुमति नहीं दी तो हम डीजे की अनुमति नहीं दी तो गणेश शोभा यात्रा के साथ हम भी पुरानी अनाज मंडी में बैठ जाएंगे, जब तक हमको प्रशासन इजाजत नहीं देगा, जब तक हम यहाँ से गणेश जी की प्रतिमा को नहीं चलाएंगे ना उठाएंगे। मतलब जो आपकी कोली पाड़ा से जो विशाल यात्रा पहले दूसरे रास्ते से जाती थी, कुछ एक दो पीरियड में गई थी, अब वो आपने कोरोना काल के अंदर गाइडलाइन को देखते हुए गणेश महोत्सव का छोटा हिस्सा ही उत्सव मनाया जाता था, इस कारण उस टाइम बैन था। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो विसर्जन यात्रा को, इसलिए हमें छोटा रूट बदलना पड़ रहा था। अब पुरानी मंडी में ही आपको मिल जाएगी आपकी यात्रा। 18 साल से जो चलता आया है नियम, वही गणेश महोत्सव समिति के साथ यात्रा एक साथ चलेगी। मंडी प्रांगण में पहले यात्रा आ जाएगी हमारी, उसके बाद यहाँ से विशाल जुलूस के रूप में एक साथ यात्रा निकलेगी डीजे बैंड बाजों के साथ। देख रहे दोस्तों, कोली पाड़ा की जो विशाल यात्रा जो आती थी उन्होंने भी समर्थन कर दिया। और एक गंगापुर सिटी में जो 9 तारीख को शोभा यात्रा निकलने वाली है वो विशाल होने वाली है। और दिखाने की गैदरिंग काफ़ी बढ़ने वाली है इसमें। और अध्यक्ष महोदय यहाँ पुरानी मंडी के भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मामला धर्म का आ गया है और धार्मिक भावना का आ गया है, पूरा गंगापुर में पहले भी अपने कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि जहाँ धार्मिक भावनाओं का मामला आ जाएगा और कोई हमारी धार्मिक भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगा वो हमको कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और अब धीरे धीरे हमको समर्थन बढ़ता जा रहा, सर समाज ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। और जितने भी, मैं दोबारा इस मंच के माध्यम से आह्वान करूँगा कि इस गणेश पूरे गंगापुर सिटी में जिसने अपने घर में या पांडाल में गणेश जी को स्थापित किया हुआ है, वो सर्व समिति या जो भी प्रदेशवासी हैं वो सब इस बैनर के नीचे आ जाए, इस निर्णय को अटल निर्णय बनाने की सबसे मैं अपील करूँगा कि डीजे टाउन के साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाए। और आज का क्या प्रोग्राम रहेगा? आज का तो जो नित्य नियम से भजन संध्या झांकियाँ चलती है अपनी, वो रहेगा। देख रहे हैं दोस्तों, गंगापुर सिटी की पुरानी अनाज मंडी से आप देख रहे हैं लाइव। जो मंच पे कार्यक्रम होंगे उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा, मंच या कार्यक्रम तो जो यथावत सुनिश्चित है किसी प्रकार से चलेंगे। बात केवल शोभा यात्रा की है, शोभा यात्रा पे प्रशासन को पुनः विचार कर देना चाहिए कि ये किसी भी प्रकार का तनाव पैदा ना करने दें। प्रशासन का जो ये व्यवहार है, प्रशासन का जो ये निर्णय है कि डीजे साउंड 9 बजे, इससे केवल और केवल तनाव की स्थितियां बनेगी और कुछ नहीं। और प्रशासन से बातचीत जारी है आपकी? बिल्कुल, प्रशासन से कई बार हमने सहमति मिलाने की कोशिश करी, लेकिन प्रशासन का जो दो टूक जवाब है कि डीजे साउंड पर प्रतिबंध है, इससे समिति सहमत नहीं है।